Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to teach you about the linear momentum and conservation of linear momentum. In our previous video already we have discussed about the Newton's laws of motion. So in this video we will discuss about the linear momentum and conservation of linear momentum. So linear momentum is a physical property which is present in a moving object. For example, if this is an object which is having some mass m and this object is moving with some velocity v. So now this object is having the property, and that property we'll call it as the linear momentum. Means this linear momentum is the effect of the motion, effect of motion, and this linear momentum is absent in the rest object. मतलब अगर कोई object rest पर है तो उसका momentum ज़ीरो हो जाता है, मतलब लीनियर मोमेंटम नहीं होता है. लीनियर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट में लीनियर मोमेंटम होता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट में मोमेंटम नहीं होता है. सो लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी. और इस लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेशन करने के लिए हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. When we multiply mass and velocity, we will get the momentum of that object. For example, if this is having some mass m and if it is moving with some v velocity, then if you multiply its mass and velocity, then we will get the linear momentum of this object. So now I will give you some example. So this linear momentum will create, means it will create some force in that object. For example, when a train is in motion, if we want to apply the brake, then we have to apply brake before 1 kilometer only. We have to apply the brake, then only it will stop at the station. If station is there, before that station, 1 kilometer distance, we have to apply the brake. मतलब station से 1 kilometer पहले से ही हम उसको brake लगाना पड़ता है, तब जाके वो station पर रुकता है. इतना डिस्टेंस क्यों लेता है, इतना टाइम क्यों लेता है? क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है. लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फोर्स को क्रिएट करता है, उस वजह से हमें जो ब्रेक जो है बहुत जल्दी अप्लाई करना पड़ता है. अगर वही चीज़ हम कार में करते हैं, कार में अगर हम ब्रेक लगाते हैं वो इंस्टेंटली स्टॉप हो जाता है. अगर कार बहुत स्पीड में है तो उसको ब्रेक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर कार थोड़ा कम वेलोसिटी में चल रहा है, अगर उसकी स्पीड थोड़ी कम है तो हम इजीली ब्रेक लगा सकते हैं. तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि लीनियर मोमेंटम जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है. ट्रेन के पास बहुत ज़्यादा मास होता है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत हाई होती है, तो उन दोनों चीज़ों से लीनियर मोमेंटम जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होता है ट्रेन में. तो उस वजह से अगर हमें ट्रेन को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है. तो इसे हम लीनियर मोमेंटम हम समझ सकते हैं. लीनियर मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी. साइकिल की जो मोमेंटम होता है बहुत कम होता है, ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है. साइकिल और ट्रेन पे अगर हम कंपेयर करते हैं, साइकिल की मोमेंटम कम होता है, ट्रेन की मोमेंटम ज़्यादा होता है, क्योंकि साइकिल का मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है. ट्रेन की मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा है, तो उस वजह से लीनियर मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये होता है लीनियर मोमेंटम. मतलब मास और वेलोसिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. सो दिस इज़ अबाउट लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी. सो वील रिप्रेजेंट इट एज वेक्टर पी इज इक्वल्स टू एम वेक्टर वी. m is the mass, v is the velocity. Mass is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. अगर ये linear momentum एक vector quantity है तो इसके पास कुछ direction होना चाहिए. तो हम किसका direction लेते हैं, तो हम direction लेते हैं velocity, क्योंकि mass जो है scalar है, उसके पास कोई direction नहीं होता है, और velocity के पास direction होता है. इसकी velocity की जो direction होता है उसी की direction को हम momentum की direction लेते हैं. तो ये हो गया है लीनियर मोमेंटम. सो नेक्स्ट आफ्टर दैट, दिस इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल. नाउ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड सिस्टम. सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टिकल एंड व्हाट इज सिस्टम. पार्टिकल मीन्स इट इज़ अ सिंगल पॉइंट.
पार्टिकल मीन्स इट इज ए सिंगल पॉइंट. नाउ सिस्टम, सिस्टम मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बनता है. फॉर एग्जाम्पल अब कार को हम एक सिस्टम समझते हैं. कार इज नथिंग बट इट इज वन सिस्टम. कार के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मेंबर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टिकल्स, और वो जो पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स मिलके जो बनता है उसे हम कहते हैं सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल कार के अंदर मेंबर्स जो होते हैं, इंजन हो सकता है, सीट होता है, हमारी बॉडी हो सकती है, कार की बॉडी हो सकती है, स्टीयरिंग होता है, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ दैट सिस्टम. वो सारे मेंबर्स मिलके जो बनता है उसे हम कहते हैं सिस्टम. कार इज वन सिस्टम और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं मेंबर्स. सारे मेंबर्स के मास अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वेलोसिटी अलग नहीं होता है. मतलब सीट होता है, इंजन, सारे उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं वो सभी एक ही स्पीड से चलता है. कार किस स्पीड से चलता है, सारे पार्टिकल्स भी उसी स्पीड से मूव करता है. तो उन सारे चीज़ों को मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं एक सिस्टम. तो ये जो लीनियर मोमेंटम होता है एक सिस्टम का, हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं. सिस्टम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. एक मेंबर का अगर हम मास लेते हैं m1 और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m1 v1. सेकंड पार्टिकल है उसका मास है m2 और उसकी भी वेलोसिटी है v. और थर्ड मेंबर है उसका मास है m3 और उसकी भी वेलोसिटी है v. और फोर्थ पार्टिकल है m4, मास है m4 और उसकी भी वेलोसिटी है v. सारे पार्टिकल सारे मेंबर्स के जो वेलोसिटी है सेम है क्योंकि सारे सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं. और दूसरे मेंबर्स के मास जो है अलग अलग हो सकते हैं. तो इस केस में हम टोटल मोमेंटम कैसे कैलकुलेशन करते हैं. हम टोटल मोमेंटम को हम कैलकुलेशन करने के लिए ये सारे जो मेंबर्स हैं इन सारे मेंबर्स की जो मोमेंटम होते हैं हम इसको ऐड कर देते हैं. तो हम सिंपली इसको ऐड करते हैं. यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन करते हैं क्योंकि मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वजह से हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन करते हैं. तो जब हम सारे मेंबर्स की मोमेंटम को जब हम ऐड करते हैं हमें मिलता है नेट मोमेंटम. तो एम वी, नेट मोमेंटम को हम लिखते हैं एम वी. सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट द नेट मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम. कुछ देर बाद इस सिस्टम के अंदर कुछ इंटरैक्शन हो गया, कुछ इंटरनल फोर्स की वजह से सारे मेंबर्स की वेलोसिटी भी अलग हो जाती है, तब क्या होता है. अब इस चीज़ में दो फोर्सेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. कंजर्वेशन लॉ को हम अपने अप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो होना चाहिए. इंटरनल फोर्स हो चलेगा, इंटरनल फोर्स होगा तो भी कंजर्व होगा, बट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए. मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ज़ीरो. एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर हम कार के अंदर बैठे हैं और हम उस कार के सीट को अगर हम पुश करते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, धक्का देते हैं, तो वो कार आगे मूव नहीं करता है. तो इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल फोर्स. अगर वही इंसान बाहर जाके कार को पुश करता है तो उस फोर्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कार मोशन में आता है, कार मूव करता है, उसकी वेलोसिटी जो चेंज होती है, उसकी मोमेंटम भी चेंज होता है. तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को हम ज़ीरो कर देते हैं कंजर्वेशन में. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स की वजह से, मतलब दो मेंबर्स कार के जो दो मेंबर्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है उस वजह से सारे मेंबर्स जो है उनके वेलोसिटीज़ अलग हो जाते हैं, तब क्या होता है. देखिए फर्स्ट मेंबर की मास है m1 और उसकी वेलोसिटी हो गई है v1, और सेकेंड मेंबर का मास है m2 और उसकी वेलोसिटी हो गई है v2. सो सेम m3 v3 प्लस m4 v4. आफ्टर दैट इफ यू एड ऑल दिस अगेन वी विल गेट सेम मोमेंटम बिफोर इंटरैक्शन. मतलब इंटरैक्शन के पहले जो मोमेंटम मिला था आफ्टर इंटरैक्शन ऑल्सो वी गॉट दिस सेम मोमेंटम बिकॉज इन दिस केस देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम. अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है तो उस केस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. मेंबर्स के वेलोसिटीज अलग हो सकते हैं, मास अलग हो सकते हैं, पर जब हम सारे मेंबर्स के मास और वेलोसिटी को जब हम ऐड
करते हैं तो हमें मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट मिलता है, तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये कब तक वैलिड है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता है तब तक ये कंजर्वेशन लॉ वैलिड होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में मोमेंटम जो है वो चेंज होता है, उस केस में मोमेंटम कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो नेक्स्ट आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट एग्जाम्पल फेमस जो बहुत सारे बुक्स में देते हैं वो है फायरिंग गन। गन और बुलेट दोनों मिलके एक सिस्टम बनते हैं और ये सिस्टम बिफोर फायरिंग क्या होता है? रेस्ट पर होता है। अगर रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट गन एंड बुलेट इज ज़ीरो। आफ्टर फायरिंग गन, जब हम फायर करते हैं तब हम क्या देखते हैं कि बुलेट कुछ स्पीड से मूव करता है और गन भी कुछ स्पीड से मूव करता है। तो दोनों की जब हम वेलोसिटीज़ लेते हैं, जब दोनों के मोमेंटम हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ज़ीरो, क्योंकि इस केस में कंजर्वेशन लॉ को वो अप्लाई करता है, क्योंकि जो बुलेट जिस स्पीड से वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करता है। दोनों के जो फोर्सेस होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं और उस वजह से दोनों फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लॉ वैलिड होता है क्योंकि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और सेकंड एग्जांपल है बलून। बलून को जब हम हाथ में रखते हैं तो उसे हम उसका इनिशियल मोमेंटम होता है ज़ीरो, क्योंकि वो मोशन में नहीं है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो। बट जब हम उस बलून को जब हम पंक्चर करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं बलून कुछ दूर जाके वो गिर जाता है, उसके अंदर मोशन कहाँ से आ गया, उसके अंदर मोमेंटम कहाँ से आ गया? तो हमारे पास आंसर है, जब बलून को जब हम पंक्चर करते हैं उसके अंदर जो एयर भरा था प्रेशर के अंडर, प्रेशर जो एयर था वो एयर कुछ डायरेक्शन में वो मूव करता है, कुछ वेलोसिटी से मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन और उसके इक्वल वेलोसिटी से बलून जो है वो मूव करता है। जब हम दोनों की वेलोसिटीज़ को जब हम एटर एडिशन करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक्शन रिएक्शन के पेयर के वजह से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो उस केस में अगर हम फाइनल मोमेंटम देखते हैं तो हमें मिलता है ज़ीरो। तो ये है सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोमेंटम। और थर्ड एग्जाम्पल जो बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं, बोट। बोट है, बोट के अंदर एक इंसान है जो बोट के ऊपर ठहरा हुआ है। बोट और उस पर्सन को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो। बट व्हेन दैट पर्सन जंप्स फ्रॉम दैट बोट then what happens means while jumping that person will apply a force on that boat in backward direction, means boat को वो पीछे ऐसे धक्का मार के वो आगे jump करता है, मतलब जिस direction में boat move करता है उसके opposite direction में वो person jump करता है। यहाँ पर boat के पास कुछ velocity आ जाती है और वो person के पास कुछ velocity आ जाता है। जब वो उसको जब पीछे की तरफ मूव करके जब वो जंप करता है, जो जिस फोर्स से वो जंप करता है तो उस वजह से बोट कुछ अलग डायरेक्शन में मूव करेगा और पर्सन कुछ अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, दोनों अपोजिट होंगे डायरेक्शन। तो दोनों के जब हम मोमेंटम ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ज़ीरो, मतलब फाइनल मोमेंटम इज़ ऑल्सो ज़ीरो। सो इन दिस केस ऑल्सो द कंजर्वेशन लॉ इज़ अप्लाइड बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। अब बोट और पर्सन दोनों मिलके एक सिस्टम बनता है। अगर सिर्फ हम बोट को देखते हैं तो हमें लगता है कि बोट तो पहले इनिशियल रेस्ट पर था, जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम आ गया है, तो उसके पास कंजर्वेशन लॉ कैसे अप्लाई कर, मतलब कंजर्वेशन लॉ कैसे करेक्ट हो सकता है? तो हम सिर्फ पार्टिकल के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल की जो मोमेंटम होता है कंजर्व नहीं होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है एक सिस्टम का, मतलब बोट और पर्सन दोनों मिलके जो सिस्टम बनते हैं उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, नॉट द पार्टिकल। सिर्फ हम बोट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पर्सन की बात हम नहीं कर रहे, पर्सन और बोट दोनों मेंबर्स है एक सिस्टम के।
मतलब बोट एक पार्टिकल है और पर्सन एक पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल है पर दोनों मिलके एक सिस्टम बनता है। सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। अगर हम पार्टिकल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया है, कंजर्वेशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब कंजर्वेशन लॉ इज़ नॉट अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, इट इज़ अप्लाइड ऑन द सिस्टम। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अंदर फेमस एग्जाम्पल रॉकेट प्रोपल्शन, जब रॉकेट ऊपर उड़ जाता है उसके अंदर जो फ्यूल जलता है वो जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है वो नीचे की तरफ निकलता है, उस प्रेशर से वो जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ जाता है। तो ये इस केस में भी हम क्या देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर ही रॉकेट काम करता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। तो ये एक एग्जाम्पल है लीनियर मोमेंटम के, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो नेक्स्ट आफ्टर दैट आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम, बाय सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो नाउ हियर इज वन शेल, दिस शेल इज हैविंग सम मास एंड इट्स मास इज गिवन एज 30 kg। हमारे पास एक शेल है उसका मास है 30 kg और ये शेल जो है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी हमें दिया है 48 meters per second, इस स्पीड से वो मूव कर रहा है। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि एक्सप्लोड हो गया है, ये ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट हमें दिया है 18 kg का पार्ट जो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी है 0, और दूसरा पार्ट जो सेकेंड पार्ट है उसका मास होगा 12 kg, क्योंकि 12 + 18 = 30, तो इसका मास है 12 kg और इसकी वेलोसिटी जो है हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास शेल है और इसका इनिशियल मोमेंटम होता है m × v, इसको हम लेते हैं कैपिटल M, इसको हम लेते हैं m1, इस पार्टिकल का मास m1 और इसका है 18 kg, और m2 सेकेंड पार्टिकल का जो मास है 12 kg, हम लेते हैं 12 kg, और ये फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी को हम लेते हैं v1 एंड इसको हम लेते हैं v2। अब हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेशन करना है और इस केस में हमें दिया है कि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई करके हम वेलोसिटी को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंजर्वेशन लॉ, दैट इज़ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज हाउ मच, m × v, सो विल टेक m × v। फाइनल मोमेंटम हम कैलकुलेशन करने के लिए ये दोनों के मोमेंटम जो है हम ऐड करते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम होता है m1 v1 और इसका मोमेंटम होता है m2 v2, दोनों को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं तो हमें फाइनल मोमेंटम मिलता है m1 v1 + m2 v2। मास कितना है m, 30 kg, इनिशियल मास 30 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज 48, m1 मास इज 18, v1 वेलोसिटी इज 0 प्लस m2 इज 12 kg, v2 हमें कैलकुलेशन करना है, v2 ये पार्ट 0 हो जाता है, 30 × 48 डिवाइडेड बाय दिस 12 इज इक्वल्स टू v2, 12 × 1 = 12, 4 = 48, 3 × 4 = 12 and this is 0. Means this v2 is equals to 120 meters per second. Second particle जो है 120 meters per second से मूव करता है, फर्स्ट पार्टिकल तो रेस्ट पर है। तो इस केस में हमने यूज़ किया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जिस केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है उस केस में हम कंजर्वेशन लॉ को हम यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम किसी भी क्वांटिटी को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ वैलिड ओनली when external force is zero. When external force is applied, in that case momentum will be changed, so in that case conservation law is not valid. So this is all about the conservation of linear momentum. In next video we are going to discuss about the spring force, so stay tuned.